हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका करियर प्लेटफॉर्म में। और यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे, एक कमेंट आया हुआ है स्टूडेंट का कि बीए बीएससी बीकॉम जैसे ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, अगर एक साल कर लेते हैं या दो साल कर लेते हैं और फिर उसको स्किप करके सेम यूनिवर्सिटी से किसी दूसरे कॉलेज से आप फिर से वो ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हो कि नहीं। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि बीए बीएससी बीकॉम अगर कोई ग्रेजुएशन कोर्स आप कर रहे हो और उसके बीच में कितने साल का गैप ले सकते हो, क्योंकि लोग यहाँ पर आपको मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 6 साल का बताते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से आपको बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप उठा लेते हैं कि अगर आप कोई ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो और आप सेम यूनिवर्सिटी, कहने का मतलब यह है कि जब आप जैसे लेट करते हैं, एक यूनिवर्सिटी है राम मनोहर लोहिया जो है अयोध्या में एग्जिस्ट करती है और उसके अंतर्गत कई सारे कॉलेजेस हैं, तो उसी किन्हीं कॉलेज में आपने एडमिशन लिया हुआ है और उस कॉलेज से एडमिशन आप हट जाते हो और किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो सेकंड ईयर से। मान लीजिए एक साल आपने किया, दूसरे साल से करना चाहते हो, क्या वैलिड है कि नहीं? तो ये वैलिड नहीं है, बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, क्योंकि जब आप पहले कॉलेज में एडमिशन आपने लिया था तो आपका एक UIN नंबर एग्जिस्ट हो गया था, जो कि बन गया था, क्रिएट हो गया था। और अब जो है क्या, आपका एक UIN नंबर बनवाना पड़ता है आपको, ठीक है। एनरोलमेंट नंबर आपका क्रिएट हो जाता है और साथ में जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो, एक रजिस्ट्रेशन नंबर क्रिएट हो जाता है। ये कॉलेज वालों की एक रूल है, करना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें आपकी लिंक हो जाती है उस यूनिवर्सिटी से। तो आप किसी दूसरे कॉलेज में जब आप जाते हो एडमिशन कराने, तो आपके डेटा मैच कर जाते हैं, आपके आधार कार्ड से मैच कर जाते हैं, आपकी जो डिग्री आपने 10th एंड 12th के सर्टिफिकेट्स दिए हैं वहाँ से, रोल नंबर से मैच हो जाते हैं, तो आप नहीं कर सकते हो चीज़ें, साफ कहने का मतलब ये है। और दूसरी चीज़, अगर आप फ्रेश तरीके से करना चाहो तो आपको TC की आवश्यकता होगी, जो कि आपको उस कॉलेज से लाना होगा, या आप बाईपास तरीके से बनवा सकते हैं। कई तरीके हैं TC भी बनवाने के, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपकी चीजें मैंने बता दिया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अब बात करता हूं कि जो क्वेश्चन आया हुआ है कि आप जो है कितने साल का गैप ले सकते हो किसी कोर्स में, किसी डिग्री में, किसी ग्रेजुएशन में। जैसे मान लीजिए आपने BSc किया, एक साल करके आप किसी कारणवश आप नहीं कर पाए और आपने स्किप कर दिया या कहीं चले गए, तो आप 5-6 साल बाद आप फिर से जो उसको करना चाहते हो तो आप कर सकते हो कि नहीं? तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। देखिए, मिनिमम जो क्राइटेरिया है UGC के अकॉर्डिंग, आपके स्क्रीन पे शो हो रही होगी ये जो गाइडलाइन है, इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, जो देखिए गाइडलाइन जो है ये 15 अक्टूबर 2015 की है, ठीक है। और इसमें साफ साफ लिखा है, जब आप जाएंगे तो आपको जो है दूसरे पैरा में ऑप्शन ए पे देखने को मिलेगा कि टाइम स्पैन N+2 ईयर्स। एन का मतलब क्या है यहाँ पे, मिनिमम जो आप कोर्स कर रहे हो उसकी वैलिडिटी, मतलब आप BSc कर रहे हो तो 3 साल का BSc होता है, +2 5 साल, 5 साल की आपको छूट मिलती है कोई ग्रेजुएशन कोर्स पूरा करने में, ठीक है। तो या PG कोर्स भी आप जो है इस तरीके से कर सकते हो। मान लीजिए आप MSc कर रहे हो 2 साल का है, तो 2+2 4 ईयर्स का हो गया, ठीक है, तो 4 साल से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से ग्रेजुएशन अगर आपने 1 साल करके छोड़ दिया तो 2 साल बाद आप फिर से रिज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अगर आपने 3 साल कर दिया तो आप रिज्वाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। या आपने 2 साल ग्रेजुएशन करके फिर स्किप कर दिया, 2 साल बाद फिर से कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन 3 साल 4 साल 5 साल नहीं कंटिन्यू कर सकते हो। तो आपको चीज़ समझना होगा। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझको जो है यूट्यूब चैनल्स ऐसे मिले जो बता रहे हैं 3 साल 6 साल आप गैप ले सकते हो, तो ये 6 साल वाला फंडा गलत है, बिल्कुल गलत है। और अगर दिखा रहे हैं तो क्या ऑफिशियल नोटिस दिखा रहे हैं, आपको ये चीज़ नोट करना चाहिए। देखिए, ये जो UGC की ऑफिशियल नोटिस है 2015 में, आप UGC की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो, और UGC की वेबसाइट जो है www.ugc.nic.in के माध्यम से आप जाके वहाँ पे आप मेंशन है देख सकते हो, ये चीज़ें जो आई हुई हैं 2015 में गाइडलाइन आई थी। तो देखिए, आपको अब चीज़ें समझ जाना होगा और अवेयर हो जाना है कि इस जो है 5 साल से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो, 5 साल के अंदर ही आपको चीजें निपटाना होगा, ठीक है। देखिए, NEP ने एक नया रूल यहां पे स्टार्ट किया है, जो ग्रेजुएशन कोर्सेज थे आपके, अगर जैसे आप नहीं कर पा रहे हो 1 साल करके दूसरे कॉलेज में, जब आप एडमिशन लिए गए थे तो आपका नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन नई शिक्षा नीति में ये चीज़ आ गया है जो कि 2020 में अप्लाई हुई है। इसमें CBCS सिस्टम बनेगा, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम बनेगा, जिसके माध्यम से आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में आप स्किप कर सकते हो, जा सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो और अलग अलग कोर्सेज ले सकते हो, साइंस के साथ मैथ ले सकते हो, मतलब सारी चीज़ें अपडेट हुई हैं। इसके ऊपर वीडियोज़ चैनल पर कुछ हैं और कुछ लेटेस्ट में आने वाली हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे सारी चीज़ें आपको मिल सके। और आई होप ये चीज़ें, जानकारी आपको समझ में आई होंगी। और एक चीज़ और कहूँगा, जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज आपके हों रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, पर्सनली अगर चैट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, टेलीग्राम लिंक दी हुई है, वहाँ से डायरेक्टली हमको पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। और अगर आप CTET की तैयारी करना चाहते हैं तो नए वाले चैनल पर हमारे जुड़ जाएँ, वहाँ पर सारी तैयारी CTET की करवाई जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।